नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के लिए 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर 2 दिनों से चल रही कयासबाजी पर विराम लग गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति की विचारधारा से परिपूर्ण 69,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट पेश किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि आप सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि देशभक्ति बजट के तहत दिल्ली सरकार राजधानी में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत से ऊंचे ध्वज स्तंभ लगाएगी। इसके साथ ही दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई के लिए देशभक्ति पीरियड भी शुरू किया जाएगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 15,380 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों ने इस जानलेवा संक्रमण से अपनी जान गंवा दी। मुंबई में एक बार फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना कितना तेजी से फैल रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ एक्टिव केसों की संख्या में 89% की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई के थाने में कोरोना को काबू में करने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। थाने के 11 हॉटस्पॉट में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटेन की संसद में भी चर्चा हुई। लंदन की पोर्टुगिल्स हाउस में 90 मिनट तक इस पर चर्चा की गई। इस दौरान कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा विलियर्स ने साफ कहा कि किसान और किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है और उसे लेकर किसी भी विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जल्दी शादी करने वाले हैं। हालांकि अब खबर है कि अपनी यॉर्कर से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान करने वाले बुमराह पूर्व मॉडल और स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन से शादी करने वाले हैं। यह बात भी सामने आई है कि दोनों गोवा में शादी करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में हुए दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बढ़त बना ली है। रणबीर कपूर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बात की पुष्टि रणबीर की मां और एक्ट्रेस नीतू सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। रणबीर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो रहा है। वो घर में ही सेल्फ क्वारंटीन है और सभी सावधानियों का पालन कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।